against the Prime Minister of the country. In a recent speech, he used words like, छह महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर दे। I am surprised that Mr. Gandhi's own father was Prime Minister of India, and I don't think that in the worst of cases our party leaders made such outlandish personal remarks against him, ever threatening that the country's youth will beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the honorable Prime Minister. No. I demand an... No. Against the honorable Prime Minister. कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक एमर्जिंग एरिया है। नंबर वन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और बहुत प्रोएक्टिवली हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री तो इसके बारे में बहुत ही पैशनेट हैं, इसके ऊपर काम कर रही है। और बहुत सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी होता है। आजकल मेडिकल फील्ड में हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इवन जो आयुष्मान भारत में फ्रॉड डिटेक्शन को भी अस्पतालों के अंदर या कहीं पे हो रहा है किसी लेवल पर, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए अर्लीस्ट जो उसके साइंस हो सकते हैं उसमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, इसके संदर्भ में नीति आयोग ने बहुत विस्तृत चर्चा की और ये नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी उन्होंने जो है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया। दैट्स नंबर वन। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देश में इंप्लीमेंट करना, तो जो आप जिस कमेटी की चर्चा कर रहे हैं वो आगे फर्दर डिस्कशन कर रही है कि इसके बारे में क्या हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी के बारे में जो है लॉ वगैरह बनाने के लिए बहुत विस्तार से चर्चा कर रही है। एक साल पहले, डेढ़ साल पहले हमारी सरकार ने कैबिनेट में एक नेशनल मिशन फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स करके, जिसमें लगभग 3,660 करोड़ के करीब जो है खर्च होना है, वो एक ऐसे पॉलिसी हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया। अब हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय उसके अंतर्गत देश में 20 इनोवेशन हब्स एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें से एक इनोवेशन हब जो है वो एक्सक्लूसिवली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहा है। तो मेरा मंत्री महोदय को ये कहना है कि हम दुनिया में किसी से भी इस मामले में कमिटमेंट के मामले में, विजन के मामले में, तैयारी के मामले में और जो हम करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं जिस दिशा में, हम कम नहीं हैं। जो विज्ञान का जनता के हित में ह्यूमन वेलफेयर के लिए सब क्षेत्रों में कैसे मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं वो हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि भारत सरकार इस पे बहुत फोकस कर रही, प्रधानमंत्री जी की बड़ी चिंता, लेकिन आपको ये भी है कि इन द लाइट ऑफ द नीति आयोग डिस्कशन पेपर ऑन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वॉज रिलीज इन 2018, वॉट मेजर्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू इम्प्लीमेंट द सेम, स्पेशली वेन द सेम डॉक्यूमेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर फोरकास्टेड टू रीच 57.6 billion by 2021 and now it is 2020, and the recent union budget in 2020 and 21 allocated rupees 8000 crore over the period for next 5 years for the national mission on quantum technology and applications. So therefore can the government state the details that said, thank you. देखिए मैंने, आपने खुद ही जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका आपने खुद ही जवाब दिया। आपने खुद ही कहा कि इवन जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज के बारे में जो अभी जो है 8000 करोड़ रुपए का बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, और मैंने आपको बताया साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में 3,660 करोड़ का, ये यानी, और ये जो अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी पेपर बनाया गया बहुत ज़्यादा अध्ययन करके, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर से बातचीत करके, वैज्ञानिक और सब तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब ये स्ट्रैटेजी पेपर की जो फाइंडिंग्स है, नेशनल स्ट्रैटेजी जो बनी है, ये आने वाले समय में ये कैबिनेट के पास लेके जाई जाएगी और सारे परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट इसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से निर्णय लेने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट और कमिटमेंट तो पहले से है।
साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में मैंने बताया, अभी आपने स्वयं उल्लेख किया कि इस बार के बजट में जो क्वांटम मैकेनिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में कितना 8000 करोड़ रुपए का मिशन, तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में ऑलरेडी सरकार, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है अभी हम दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर पब्लिकेशंस के अंदर पहुंच गए हैं वर्ल्ड के अंदर जो है, और लगभग हर पैरामीटर में हम पहले 10 पैरामीटर्स के अंदर हैं। आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम टॉप 2-3 साइंटिफिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है हमारा नाम दर्ज हो, इसलिए सरकार इस मामले में पर्याप्त चिंतित भी है और पर्याप्त काम भी कर रही है। मनीष तिवारी जी। सर, द फोर्थ इंडस्ट्रियल एज comprising of digitization, robotics and artificial intelligence is going to completely transform the workplace. According to a World Bank estimate, 67% of all manufacturing jobs in India will be lost to robotization. My specific question to the Minister of Science and Technology is that given this paradigm, has your ministry conducted any study as to what would be the impact of this fourth industrial age, digitalization, robotics and artificial intelligence on the workplace? How many jobs is India going to lose as a consequence of this, and how many jobs are going to be created as a consequence of this fourth industrial age? I think we can say that we are in touch with everything that's happening on this front all over the world, and whatever best needs to be done to ensure that we improve the lives of the people of this country also as is being benefited, as the others are also being benefited, we are doing all that what is possible. As far as losing of jobs and all, this is all an area which is already under study and scrutiny by the, not only by India but by the whole world. As far as all these robotics, artificial intelligence, machine learning, etc., we are, I think, in sync with the rest of the world, and I can promise on the floor of this house, through science and technology, we will do the best and not and also ensure also and also ensure that it doesn't have any adverse impact on the job situation in the country. Speaker sir, my specific question is, have you taken any study on this? Question number 87, Ajay Nishad ji. Person sankhya 87. 87, 89 club kar diye. Person sankhya 87 sir. Manya Mantri ji. Sir, the answer is laid on the table of the house. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत व्यापक जवाब दिया है, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एलडी NPHEI में पिछले 5 वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई? सर, I may inform the honorable members that under this scheme we have, in fact, we have created 2 national centers for aging, and these are at Madras Medical College and AIIMS. They are in the various, and for each of these centers we have provided 270 crores each to these 2 places, and then also we have created 19 regional geriatric centers. And in these regional geriatric centers, we have 30-bedded indoor patient departments, physiotherapy labs, and specialized manpower. And we give 4 crore to each of the centers. Then also at 713 district hospitals in the country, we have provided this total support for the creation of 10-bedded geriatric wards and physiotherapy labs, etc., through the National Health Mission. And this facility is also available at 3,430 community health centers, where we have 2 days specific OPD for the senior geriatric patients, along with physiotherapy and labs, etc. In 552 districts, we have already started the OPD, and this program has, you see, our National Health Mission has provision whereby we help the states to hire 2 doctors exclusively for the care of the elderly. माननीय मंत्री जी,
बताने की कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई द्वारा जमा की गई LASI रिपोर्ट के मुख्यतः क्या परिणाम है? सर, ये जो स्टडी है, ये स्टडी 2015 में प्रारंभ की गई थी। इसमें करीब 61,000 सैंपल साइज था इसका, 61,000 एल्डरली लोगों के साथ अध्ययन किया गया था। और इसमें इसके दो फेजेज हैं, वेव वन एंड वेव टू। वेव वन कंप्लीट हुआ है, जिसमें जो 61,000 लोगों से बातचीत करके, इनफैक्ट कल ही शाम को इसकी जो है रिपोर्ट जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट की गई है। अब यही 61,000 लोगों के बीच में जो है ये स्टडी जो है दोबारा से की जाएगी, जिसको कि वेव टू कहेंगे। और इसमें जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ केयर ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में, उनके सोशल स्टेटस के बारे में, उनके इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बहुत डिटेल में बताई गई हैं। जैसे ये स्टडी कंप्लीट होगी, इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 से राहुल गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 89 सर, सर प्लीज एक्सक्यूज मी दैट बिफोर आई बिगिन आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑफ डियर श्री राहुल गांधी जी, आई वांट टू कंडेम इन नो अनसर्टेन वर्ड्स द आउटलैंडिश लैंग्वेज दैट ही हैज यूज्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इन अ रीसेंट स्पीच ही यूज्ड वर्ड्स लाइक 6 महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर दे। आई एम सरप्राइज दैट मिस्टर गांधी ओन फादर वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड आई डोंट थिंक दैट इन द वर्स्ट ऑफ केसेज अवर पार्टी लीडर्स मेड सच आउटलैंडिश पर्सनल रिमार्क्स अगेंस्ट हिम एवर थ्रेटनिंग दैट द कंट्री यूथ विल बीट हिम विद डंडास एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द कंट्री। द एंटायर हाउस प्रेजेंट हियर मस्ट इन अनइक्विवोकल टर्म्स कंडेम हिज लैंग्वेज अगेंस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आई डिमांड एंड कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।